अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है अगेन आईटी जेई 2010, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। इन द रिएक्शन यहां पे आपके पास बॉन्ड बना हुआ है बेंजीन, इसके ऊपर OCS3, इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। एनिसोल के ऊपर HBr का रिएक्शन है और आपसे पूछ रहा है द प्रोडक्ट्स आर, सोचिएगा एनिसोल है, एनिसोल है, ये आपके पास बेंजीन है, इसी बेंजीन के ऊपर OCS3 है और इसके ऊपर HBr का रिएक्शन है, बस में आगे सोचिएगा। कहानी के अंदर H प्लस है और ये OR, अच्छा लिविंग ग्रुप या बुरा? बुरा, तो सबसे पहले अच्छे लिविंग ग्रुप रूप में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के लिए आपने प्रोटोनेशन करा दिया और प्रोटोनेशन कराकर इस तरह की स्पेसीज बना दिया, ऐसा बना दिया। अब सोचिएगा या तो कहानी SN1 हो सकता है या तो कहानी SN2 हो सकता है, सोचिए इधर तोड़ के कार्बोकोटाइन बनाए, क्या ये बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि इस पॉजिटिव का डबल बॉन्ड के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस इनके बीच में है, मतलब ये अनस्टेबल। इधर अगर तोड़ दें और इसको तोड़ के ये वाला कार्बोकोटाइन बनाए, सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल, कहीं से भी कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है, और जब कहीं से भी स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही मतलब अनस्टेबल। तो इधर भी नहीं बन रहा है, उधर भी नहीं बन रहा है, मतलब कार्बोकोटाइन नहीं बनाना है, मतलब SN1 रिएक्शन नहीं सोचना है, बस में आगे। और जो कार्बोकोटाइन नहीं बनाना है, SN1 नहीं सोचना, तो सोचना क्या है? SN2। और SN2 का बेसिक क्या है? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक, तो मिनिमम स्टेरिक इस कार्बन पे है या इस कार्बन पे है? इस कार्बन पे है, तो इसका मतलब अब यही Br- अब ऐसा न्यूक्लियोफाइट इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, बस में आगे। तो हमें निकला गया एक मिला फिनॉल, तो एक सिस्टम से हमें क्या मिला है? फिनॉल। और एक सिस्टम से हमें क्या मिला है? मिथाइल ब्रोमाइड, ये तो मिला। यही आपको देख लेना है कि फिनॉल मिथाइल ब्रोमाइड कहाँ है, कहाँ है? डी ऑप्शन में, यही आपका फिनॉल है और आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, यही हमारा आंसर हो गया, ये बन जाएगा। सोचिएगा कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया है, हो सकता है कि बच्चा इस पर्टिकुलर का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होने की वजह से यहाँ पे Br लगा दे, बच्चा ही है ना, बच्चा क्या है? बच्चा ही है, वो दिमाग लगा सकता है कि कहीं ना कहीं एरोमेटिक का क्वेश्चन है और एरोमेटिक का क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं, यहां से Br बनेगा और Br इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, इसके पैरा पे लगा देते हैं, बस में आगे। बैठा हुआ है ए ऑप्शन, लगाना है नहीं, यहाँ Br- है, Br प्लस नहीं है, बस में आगे। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली दुनिया नहीं सोचनी है, मतलब इधर की तरफ नहीं जाना है, बस में आगे। बच्चा तो बच्चा ही है, वो सोचेगा कि बेंजीन दिखता ही मतलब एरोमेटिक हो गया, बेंजीन दिखते ही कार्बोकोटाइन स्टेबल हो गया, बेंजीन दिखते ही रेजोनेंस आ गया, तो बेंजीन दिखते ही रेजोनेंस आ गया, तो हो सकता है कि ये वाला कार्बोकोटाइन बना ले और इसके ऊपर Br- का रिएक्शन करा दे और कॉरस्पॉन्डिंग ये बना दे। गलती से भी अगर उसने SN1 सोच लिया तो SN1 सोच लिया तो ये बना लेगा, और चूंकि इधर से मिथेनॉल निकला होगा तो बच्चे के दिमाग में आएगा मिथेनॉल निकला है, फिर से H+ रिएक्शन करके वाटर निकाल दिया, फिर से CH3+ बन गया, फिर से Br- ने अटैक कर दिया और यहां से ये बन गया, बना सकता है ना, बस में आगे। तो एकदम अच्छी तरह क्लियर किए कि हमें अटैक यहां करना है, हमें अटैक यहां नहीं करना है। हो सकता है बच्चा कि एक बार रिएक्शन करा के इसने SN1 करा के यहां से Br लगाते हुए ब्रोमो बेंजीन बना दिए, अब दो बार रिएक्शन ना करे, ये जो मिथेनॉल निकल रहा है इस मिथेनॉल को वैसे ही छोड़ दे, बस में आगे। तो जो जो आपके दिमाग में आ सकता है वो सारे के सारे ऑप्शंस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बस में आगे। तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो कि SN1 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन। SN2 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक। बताओ फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आएगा लगा लोगे? तो होता तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर लोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ ही नहीं तो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? कहीं से भी अगर Br+ बना लो तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ, लेकिन सिस्टम में आपके पास है क्या? Br-, तो क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे? तो रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में आया तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बना लोगे। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाए,
जिससे कि मैं एक ही पेज के कोरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक क्रिएशन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेजन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा दो पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इन्हेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30-day चैलेंज, ये दो वॉल्यूम में है, एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45-45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम एक महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आई टी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है, और उसका दो वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड भी आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये दो कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।